हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में, विच इज पार्ट ऑफ अन अकेडमी ग्रुप। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या चाल है आप लोगों के? कल जैसा कि हमारा डिसाइड हुआ था कि आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले भी करवाए थे, एक अलग से एक क्लास ली थी जिसमें जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसके क्वेश्चंस करवाए थे। तो आज भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में जो कुछ पढ़ाया फिर उसके पहले भी कुछ पढ़ा था उसके मिक्स क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और मंडे से अपना स्टार्ट होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्लियर। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से इसका जवाब देना स्टार्ट करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है, बताइए जवाब इसका। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। सर्कुलर प्लेट है, 1.5 मीटर इसका डायमीटर है, इस सबमर्ज इन वाटर विद इट्स ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डेप्थ बिलो द सरफेस बीइंग 2 मीटर एंड 0.75 मीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द टोटल प्रेशर अप्रोक्सीमेटली ऑन वन फेस ऑफ द प्लेट। देखिए, देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है टोटल प्रेशर, लेकिन यूनिट किस में दे रखी है, किलो न्यूटन। ऑब्वियसली बात है प्रेशर फोर्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्रेशर फोर्स की। तो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IES 2000 क्वेश्चन है। चलिए देखिए सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि एक क्या है आपके, ये सर्कुलर प्लेट है ना, एक सर्कुलर प्लेट है, मतलब प्लेट ऐसे रखी हुई है, ये सर्कुलर प्लेट है आपकी, ठीक है। पर इसको जब आप ऐसे देखोगे, ये प्लेट आपकी ऐसी है सर्कुलर, ये ऐसे रखी हुई है कि जो इसकी जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है, यानी जो अधिकतम गहराई है पानी की सरफेस है, मान लो ये लिक्विड है, ये लिक्विड, ठीक है। तो जो ये ग्रेटेस्ट डेप्थ आपको दे रखा है डियर फ्रेंड्स, ये आपको कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है, क्लियर। ये 2 मीटर आपको दे रखा है, ये 2 मीटर दे रखा है। और जो लीस्ट डेप्थ है, यानी जो ये दे रखा है, ये आपको कितना दे रखा है, 0.75 मीटर दे रखा है, 0.75 मीटर, क्लियर। और जो इसका डायमीटर दे रखा है आपको, जो इसका प्लेट का, जो सर्कुलर प्लेट का जो डायमीटर दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 1.5 मीटर आपको दे रखा है, क्लियर। तो ये पूछ रहा है कितना फोर्स लगा रही है। हमारे पास फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू रो जी एच बार इन टू ए, ये फॉर्मूला होता है, बताइए होता है नहीं होता। एच बार क्या होता है, जो इसका सेंट्रोड है ना, जो इस प्लेट का सेंट्रोड है उसकी फ्री सरफेस से डिस्टेंस ही एच बार होती है। तो उसका सेंट्रोड कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में होगा, कहीं बिल्कुल बीच में होगा, बिल्कुल बीच में। और उसकी जो फ्री सरफेस से जो डिस्टेंस होगी वो ही तो क्या है, एच बार है, ये ही तो एच बार है, एच बार कुछ अलग थोड़ी है। तो एच बार क्या हो जाएगा, अगर मैं ये एंगल, फ्रेंड्स आप मुझे बताइए, अगर मैं ये वाला एंगल यदि मैं थीटा मांगूँ, यदि मैं ये वाला एंगल थीटा मानूं, तो साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बट्टे कर्ण। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, ये लंब बट्टे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ये कितना आएगा, ये परपेंडिकुलर कितना आएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये कितना आएगा, तो ये टोटल 2 है, ठीक है। और यहाँ तक कितनी है, 0.75 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी आपकी, 1.25 मीटर, समझ आ गया। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.25, ठीक है, अपॉन 1.5, क्लियर, ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, क्लियर। आपको एच बार की वैल्यू निकालनी है, तो एच बार क्या होगा आपका, ये और ये डिस्टेंस ही तो होगी एच बार आपका क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ही तो होगी। तो बताइए जो सेंट्रोड की ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली, ये आधी होगी डायमीटर की, यानी 1.5/2 होगी, बताइए ये 1.5/2 होगी, मतलब मैंने माना अगर ये L/2 होगी
तो ये क्या होगी एल बाई टू कॉस थीटा और ये क्या होगी एल बाई टू साइन थीटा। इसका कंपोनेंट लेंगे ना एल बाई टू कॉस थीटा और ये एल बाई टू साइन थीटा, यानी ये वाली कितनी होगी, ये वाली जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली कितनी हो जाएगी 1.5 बाई टू। क्लियर, कौन सी हो जाएगी 1.5 बाई टू साइन थीटा। यानी आपके जो एच बार की वैल्यू आएगी, एच बार की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दिस प्लस दिस, ये कितना है आपका 0.75। क्लियर, और आपका ये क्या है, ये क्या है आपका 1.5 बाय टू साइन थीटा, 1.5 बाय टू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1.25 अपॉन 1.5। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप रखिए 1.25 अपॉन 1.5। क्लियर, तो ये आपके एच बार की वैल्यू आ गई। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 1.5 से, 1.5 पे कैंसिल हो जाएगा, एच बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.75 प्लस 1.25 बाय 2। क्लियर, तो फ्रेंड्स फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू रो कितनी है, एक साइड का फोर्स पूछ रहा है ना, क्योंकि इधर भी लिक्विड है इधर भी लिक्विड है, हमको एक साइड देखना है कि ये जो लिक्विड है ये कितना फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स कितना होगा, ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, रो की वैल्यू कितनी है, वाटर है 1000 जी 10, एच बार की वैल्यू फ्रेंड्स आपके पास ही आ गई। तो देखिए 1.25 किसके बराबर में होगा, 1.25 किसके बराबर होगा, अप्रोक्सीमेट 62.5 ऐसे कुछ आएगा, हम लोग सॉल्व कर लेंगे जो भी आएगा। तो ये 0.75 प्लस 1.25 बाय 2। क्लियर, इनटू एरिया, इस प्लेट का एरिया कौन सा होगा, कौन से एरिया पे पड़ रहा है, इस वाले एरिया पे नहीं आ रहा है क्या है, पूरा पूरा किस एरिया पे, इसका जो पूरा जो सेक्शन है, पूरा का पूरा जो क्रॉस सेक्शन है उस पर आ रहा ही नहीं आ रहा, यानी पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर यानी डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1.5 दे रखी है, 1.5 मीटर डायमीटर, तो इसका स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, आंसर जो आएगा 24 किलो न्यूटन के अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। क्लियर, चले आगे, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है ना, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, IES 2006 का एक क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये पाइप में से फ्लो जा रहा था, ये जा रहा था इस बॉक्स में, पता नहीं कुछ क्या था, हमको नहीं पता इस बॉक्स में क्या था, कि जो इसकी एनर्जी ग्रेडियंट लाइन है ना, मतलब किसकी बात कर रहा है, कुल मिला के ये टोटल एनर्जी की बात कर रहा है, ये टोटल एनर्जी लाइन है इसका मतलब, TEL टोटल एनर्जी लाइन, ठीक है, टोटल एनर्जी लाइन, सॉरी ये EGL हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है ना, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन HGL हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, सॉरी HGL हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, फ्रेंड्स क्या हो गया आपका, राइज कर गया, HGL आपका क्या कर गया, राइज कर गया। तो इस बॉक्स में क्या हो सकता है, तो देखिए सामने देखिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन आपका क्या होता है, कि जो प्रेशर हेड होता है, क्लियर, और पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड का जो फ्रेंड्स क्या होगा, यहां का प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड प्लस यहां का प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड, इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन वो क्या होती है आपकी, HGL होती है। तो HGL यहां पर राइज कर रहा है, HGL यहां पर राइज कर रहा है, क्लियर, तो कारण क्या हो सकता है, देखो ये तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि दोनों क्या है सेम लेवल पे है, तो क्या बढ़ा, यहां से यहां पर क्या बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, यहां से यहां पर क्या बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर कौन सी डिवाइस बढ़ा सकती है, पंप बढ़ा सकती है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इसका सही जवाब आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, IES का क्वेश्चन है कि इफ द बिलो लेआउट ऑफ पाइपिंग व्हाट इज द वेलोसिटी इन 200 mm डायमीटर पाइप। आपको फ्रेंड्स वेलोसिटी दे रखी है कि जो वेलोसिटी है 450 mm डायमीटर वाले पाइप में कितनी है, 3 meter per second है। क्लियर, इसके बाद में क्या है, जो डायमीटर आपको दे रखा है 300 mm का, इसमें वेलोसिटी दे रखी है 2.5 meter per second। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, और आपको दिख रहा होगा ढंग से, इधर देख लीजिए है ना, ये अब दिख रहा होगा आपको। तो फ्रेंड्स आपको जो ये पहला वाला पाइप है 450 mm डायमीटर का, 450 mm डायमीटर का, 450 mm डायमीटर का जो डायमीटर दे रखा है ये आपको, ये जो इसका डायमीटर दे रखा है D1, ये दे रखा है 450 mm, और इसमें जो वेलोसिटी है, इसमें जो वेलोसिटी है कितनी है, 3 meter per second है। सिमिलरली जो ये दूसरा वाला पाइप है,
जो इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर कितना है, 300 mm है। इसमें जो वेलोसिटी कितनी है, ढाई मीटर पर सेकंड है, ठीक है। जो इसका जो डायमीटर है कितना है, 200 mm है, और इसमें वेलोसिटी पूछा है, V3 आपसे पूछा है, क्लियर। ये V3 आपसे पूछा है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए सामने देखिए, अब इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट। देखिए आपको पता है, क्या पता है, यहां से जितना डिस्चार्ज जाएगा, मैंने मान लिया यहां से जो डिस्चार्ज है, मान लीजिए क्यू है, है ना, और ये डिस्चार्ज किसके बराबर होगा, यहां पर जो जा रहा है, यहां पर मान लीजिए Q1 आ रहा है, तो यहां से Q2 जा रहा है, यहां से Q3 जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि Q1 बराबर Q2 प्लस Q3 होगा, नहीं होगा, बताइए। Q1 डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 D1 स्क्वायर, D मीटर में लेंगे कितना, 0.45 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली जो दूसरा वाला डिस्चार्ज होगा उसमें क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 D2 स्क्वायर यानी 0.3 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी 2 में कितनी है आपके, 2.5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। प्लस इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डिस्चार्ज क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया कौन सा होगा, पाई बाय 4 D स्क्वायर, डायमीटर कितना है, 200 mm है, तो यानी 0.2 मीटर, 0.2 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितनी है आपकी, V3 मैंने मान लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ से पाई बाय 4 कॉमन आ जाएगा, पाई बाय 4 यहाँ से कॉमन आके इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो आप मुझे बताइए V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 0.45 का होल स्क्वायर इंटू 3 माइनस 0.3 का होल स्क्वायर इंटू 2.5, क्लियर, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन 0.2 का होल स्क्वायर, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेट 9.56 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। चले आगे, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से इसका जवाब देना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, IAS 2016 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है कि ऑयल है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.8, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है, रिलेटिव डेंसिटी, वो आपको दे रखी है 0.8, और इसकी जो डायनामिक विस्कोसिटी है वो भी आपको दे रखी है, यानी म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है। आपसे क्या पूछ रहा है कि स्मूथ पाइप से फ्लो होता है जिसका डायमीटर 100 mm है और रेनॉल्ड नंबर 21 है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी है ना, एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो सामने देखिए, देखिए रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है आपका, रो इंटू वी इंटू डी अपॉन म्यू होता है, क्लियर, होता नहीं होता। रेनॉल्ड्स नंबर आपको कितना दे रखा है, 2100 दे रखा है, रेनॉल्ड्स नंबर कितना दे रखा है, 2100 दे रखा है, तो लिख दिया मैंने 2100, क्लियर। डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी नहीं दे रखी, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड यानी वाटर की 1000, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 0.8 इंटू 1000 यानी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, 800। वेलोसिटी आपको पता करना है, इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर आपको कितना दे रखा है, इसका जो डायमीटर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, आई थिंक डायमीटर नहीं दे रखा, हाँ 100 mm दे तो रखा है, 100 mm, ठीक है, तो यानी 0.1 अपॉन विस्कोसिटी आपको कितनी दे रखी है दोस्त, आपको जो विस्कोसिटी दे रखी है 8 × 10⁻³ दे रखा है, ठीक है, 8 × 10⁻³, तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा बताइए, कोई प्रॉब्लम, बताइए आंसर कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 0.21 मीटर पर सेकंड के आसपास आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्लियर। चलिए आगे, आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इन लेमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप द डिस्चार्ज वेरीज, देखते हैं कितनों को याद है लेमिनार फ्लो, हम लोगों ने पढ़ा था, बताइए। बताइए, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो सामने फ्रेंड्स आप जानते हैं, जब हम लोगों ने पाइप फ्लो पढ़ा था,
ये आपका पाइप था, क्लियर। डिस्चार्ज आपने क्या लिखा था, एरिया इंटू एवरेज वेलोसिटी लिखा था, नहीं लिखा था मुझे बताइए, एवरेज वेलोसिटी लिखा था। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा, लेमिनार फ्लो में बताइए मैक्सिमम का आधा होता है, ठीक है, होता है। और आप जानते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, 1/4μ-∂P/∂x(r²) होती नहीं होती, मुझे बताइए, याद है नहीं है, भूल गए, ठीक है। तो फ्रेंड जो मैक्सिमम वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है डिस्चार्ज, या फिर आप बोल सकते हो एवरेज वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये विस्कोसिटी के, दिख रहा है, ये विस्कोसिटी के। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या जाएगा, इनवर्स विद फ्लूड विस्कोसिटी। ये IES 2015 में भी आया और 2011 में भी आया, दो बार ये क्वेश्चन आया बिल्कुल सेम, ठीक है। चले आगे, तो ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, सारी चीजें इतना चलता जा रहा है, रिविजन करते रहिए, क्वेश्चन करते रहेंगे, इजिली बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, मैंने आपको बोला था कि दो बार आया, देखो IES 2011 में भी आया क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डिस्चार्ज हो रहा है वो कैसे वेरी कर रहा है, जो डिस्चार्ज वेरीज तो क्या होगा, एज द इनवर्स ऑफ विस्कोसिटी, यानी इसका सी सही जवाब आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे IES 2006 का ये क्वेश्चन है ना। पहले इसको पढ़ लीजिए, पहले इसको पढ़ लीजिए, क्या बोल रहा है देखो, कि एक सर्कुलर जेट ऑफ वाटर इम्पिंगिंग्स ऑन अ वर्टिकल फ्लैट प्लेट एंड बायफ्रक्चुएट इनटू टू सर्कुलर जेट्स ऑफ हाफ द डायमीटर ऑफ द ओरिजिनल एज शोन इन द फिगर बिलो, क्लियर। तो मुझे बताइए आफ्टर हिटिंग द प्लेट क्या होगा, द जेट्स मूव एट इक्वल वेलोसिटी विच इज ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल वेलोसिटी, द जेट्स मूव इट एट इक्वल वेलोसिटी विच इज 3 times ऑफ ओरिजिनल वेलोसिटी, डाटा गिवन इज इनसफिशियंट टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द टू आउटगोइंग जेट्स, द वेलोसिटी मूव एट इक्वल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू ओरिजिनल वेलोसिटी, ठीक है। क्वेश्चन में फिर दिखाता हूँ आपको, देखिए एक बार क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, देखिए चलो सामने देखिए, देखो बोलना क्या चाह रहा है, मेरी बात समझिए, बोलना ऐसे चाह रहा है कि जो जेट आ रही ना, इस जेट का इधर डायमीटर कितना है, डी है ऑब्वियसली, और वेलोसिटी मान लेते हैं वी, और इस जगह और इस जगह जो वेलोसिटी होगी वी होगी, क्योंकि मैंने बताया था हम लोग क्या जंक्शन मान के चलते हैं, देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, क्लियर। तो अगर इधर डिस्चार्ज क्यू आ रहा है, इधर अगर डिस्चार्ज इधर आ रहा है, तो डिस्चार्ज फ्रेंड्स क्या होगा आपका, इक्वली बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा बताइए, इक्वली बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। कुल मिला के जो वेलोसिटी है फ्रेंड्स, वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी आपकी, वेलोसिटी तो क्या रहेगी आपकी, सेम ही रहेगी वेलोसिटी तो फ्रेंड्स, क्या रहेगी, सेम रहेगी। दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, देखो कैसे, देखो मैंने माना इधर वेलोसिटी वी है, मैंने माना इधर वेलोसिटी वी है, मैंने माना इधर वेलोसिटी भी वी थी, तो सेटिस्फाइड होना चाहिए डिस्चार्ज वाली, ठीक है। तो डिस्चार्ज इधर क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया कितना इधर जेट का डायमीटर आप मान लीजिए डी, टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू वी, इतना डिस्चार्ज होना चाहिए था, क्लियर। इधर डिस्चार्ज कितना होगा, पाई बाय 4, इधर जो जेट का डायमीटर कितना है, डी बाय 2, टू पाई बाय 4 डी बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 आपका डी स्क्वायर बाय 4 इंटू वी, और सिमिलरली पाई बाय 4 डी स्क्वायर बाय 4 इंटू वी आ जाएगा, दोनों को आप लोग जोड़ गए तो आपका जो आंसर आएगा फ्रेंड्स, आपका जो आंसर आएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू वी, ठीक है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू वी, ठीक है। कुछ इसमें गड़बड़ करिए, देखिए रुकिए, एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 डी बाय 2 का स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 4 इंटू वी डैश आप मान लीजिए, ठीक है, वी डैश आप हम लोग इसको मान लेते हैं, ध्यान से समझिए। तो इधर जो डिस्चार्ज आया और नीचे भी सेम आएगा, तो प्लस पाई बाय 4 डी स्क्वायर बाय 4 इंटू वी डैश बताइए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, तो पाई बाय 4 से फ्रेंड्स क्या हो गया, पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल हो गया, पाई बाय 4 से पाई बाय 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्लियर। यहां पर क्या है, डी स्क्वायर इंटू वी, और यहां पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू वी डैश, क्लियर। इधर भी डी स्क्वायर 4 इंटू वी डैश, यानी इसका दुगना हो जाएगा, ये बताइए दुगना हो जाएगा, तो यहां से जो क्या हो गया आपका,
डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्लियर। ये 4 गया 2 से 2 टाइम्स में, तो v डैश की वैल्यू फ्रेंड्स क्या आई, v बाय 2 आई, क्लियर। v डैश की वैल्यू क्या आई यहाँ से, v बाय 2 आई। v डैश की वैल्यू क्या आई यहाँ से, v बाय 2 आई, समझ आ गया। v डैश की वैल्यू v बाय 2 आई, यानी दोनों जगह v बाय 2 से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जेट की जो आपका डायमीटर है इधर कम माना है, जेट का डायमीटर इधर बोला है कि आधा हो गया, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी सेम नहीं रह रही है, कितनी हो रही है, आधा रह रही है। तो फ्रेंड्स क्या आएगा आपका आंसर, द जेट मूव इज ट्वाइस, द जेट मूव्स एट इक्वल वेलोसिटी विच इज ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल वेलोसिटी, द जेट्स मूव एट इक्वल वेलोसिटी विच इज थ्री टाइम्स द डैट इज इन सब, इसमें ऑप्शन दे इंद्र का। फ्रेंड्स इसमें है ना क्वेश्चन में चाहे कुछ डाटा मिसिंग है, मैं एक बार चेक करके ये क्वेश्चन वापस करा दूंगा ना, अभी वापस करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है ये कुछ लैंग्वेज में एक दो ऊपर नीचे हो गया है ना, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो अभी, है ना। इसको देखते हैं जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, IAS 2008 का ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, हाउ इज द मेटा सेंटर हाइट GM एक्सप्रेस, मेटा सेंटर हाइट आप जानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है, तो GM की वैल्यू क्या होती है बताइए। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, सामने देखिए GM बराबर क्या होता है, GM इज इक्वल्स टू आई अपॉन वी सिंगड माइनस वी जी, बताया था नहीं बताया था बताइए, एक फॉर्मूला आपको याद है, GM इज इक्वल्स टू आई मिनिमम अपॉन वी सिंगड माइनस वी जी, बताइए बताया था नहीं बताया था। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, IES 2010 का ये क्वेश्चन है। अ जेट ऑफ ऑयल विद रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 0.7 स्ट्राइक्स नॉर्मली अ प्लेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, जेट हैज एन एरिया ऑफ 0.03 मीटर स्क्वायर, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्लेट बाय द जेट, बताइए बताइए इसका आंसर बताइए। चलिए सामने देखिए, देखिए क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से देखिए कि एक जेट आ रही है, एक जेट आ रही है, ये जेट आ रही है ठीक है, और ये किसी प्लेट पे आ रही है ना। कल भी मैंने आपको कितने क्वेश्चन मतलब कितने ऐसे केस करे थे हम लोगों ने, ये प्लेट पे आ रही है, प्लेट आपकी फ्रेंड्स कैसी स्टेशनरी प्लेट है, तो आपसे पूछा है कि इस जेट के कारण इस पे कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, लेट सपोज जो जेट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी है, तो फोर्स क्या होता है आपका, फोर्स क्या होता है, रो इंटू क्यू इंटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, और मैंने आपको सीधा फॉर्मूला भी बताया था कैसे आएगा कि डिस्चार्ज इसका कितना है, कैसे देखेंगे, रो डिस्चार्ज एरिया ऑफ जेट इंटू वेलोसिटी, इनिशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है वी, फाइनल वेलोसिटी किस हो जाएगी, इस डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्यों, क्योंकि जो जेट है ऐसे चल जाएगी ऐसे चल जाएगी, तो अपना फॉर्मूला निकला तो था बताइए, रो ए वी स्क्वायर, मैंने बताया था ना फॉर्मूला याद रख लो वरना समझ में लो, रो ए वी स्क्वायर, रो कितना दे रखा है, डेंसिटी नहीं दे रखी आपको, रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है 0.7, यानी आपके पास में जो डेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी बताइए, 700 आएगी नहीं आएगी, 700, एरिया ऑफ जेट कितना आ जाएगा, 0.03 आ जाएगा, 0.03, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी आपको कितना दे रखा है 10, वेलोसिटी कितना दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, क्लियर। तो ये पॉइंट हटाया नीचे दो जीरो आए, तो दो जीरो से दो जीरो गए, तो 700 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 2100 न्यूटन आपका आंसर आ रहा है, लेकिन हम लोगों को किलो न्यूटन में पूछा है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 2.1 किलो न्यूटन, ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 20 का सही जवाब आ जाएगा, बताइए आ जाएगा। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, मैंने आपको बताया था ओरिफिस मीटर हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है, इनमें क्या रिलेशन होता है बताइए, बताया था नहीं बताया था, ठीक है, तो क्या रिलेशन बताया था कि जो सीडी की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, सीसी यानी कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इनटू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, क्लियर। देखो यही क्वेश्चन एसएससी जेई में रिपीट हो रहा है, मैंने आपको पहले बताया था आपको, तो इसलिए मैं आईएएस के क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ रेलवे और आई इसमें एसएससी जेई में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, तो सीडी बराबर सीसी इनटू सीवी, तो इसका सही जवाब कौन सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
देखिए IES का एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, अगर आपको दिखने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। स्टेटमेंट पहला दे रखा है कि इन ए वेंचुरी मीटर द डाइवर्जेंट सेक्शन इज मच लॉन्गर एज कंपेयर टू कन्वर्जेंट। बिल्कुल सही बात है, कन्वर्जिंग सेक्शन से ज्यादा रखते हैं हम लोग डाइवर्जेंट सेक्शन की लेंथ, है ना। आपको पता है जो वेंचुरी मीटर होता है इसकी जो कन्वर्जिंग सेक्शन था और जो डाइवर्जिंग सेक्शन होता है उसकी लेंथ हम लोग ज्यादा रखते हैं, और इसका कारण क्या था मैंने आपको बताया था। यदि आपको पता हो कि यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाते हैं क्या होता जा रहा है, एरिया ऑफ फ्लो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, मतलब यहाँ की जो लेयर्स है उसके पास वेलोसिटी वैसे ही कम है, है ना। लेकिन और यहाँ पर वेलोसिटी कम हो गई तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में टेंडेंसी रहती है फ्लो की, तो इधर बैक फ्लो हो जाता है, फ्लो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो फ्लो सेपरेशन अकर्स ओनली इन द डाइवर्जन सेक्शन द वेंचुरी मीटर, बिल्कुल सही बात है। इसलिए डाइवर्जन सेक्शन की जो लेंथ होती है हम लोग क्या रखते हैं, बड़े रखते हैं, क्योंकि डीपी अपॉन डीएक्स क्या होता है, अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो ये क्या होता है, आपके एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट की कंडीशन होती है। बताइए, बताया था नहीं बताया था, क्लियर। तो फ्रेंड्स ये आपके डीपी अपॉन डीएक्स बहुत ज्यादा है तो और बेकार होगा, तो हम लोग जब इसकी लेंथ बढ़ाते हैं, तो डीएक्स बढ़ा देते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, बॉथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। क्लियर, IES का एक क्वेश्चन है, बताइए। मैंने बताया नहीं, सारा पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ए जेट ऑफ वाटर इश्यूज फ्रॉम ए नोजल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड इम्पिंजिंग नॉर्मली ऑन अ फ्लैट प्लेट मूविंग अवे फ्रॉम इट एट 10 मीटर पर सेकेंड, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जेट इज 0.01 मीटर स्क्वायर एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, द फोर्स डेवलप ऑन द प्लेट इज, ठीक है। बताइए फ्रेंड्स, और थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, देखिए, लो देखिए ना, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका दिख गया, लो देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A jet of water issues from a nozzle with a velocity of 20 meter per second at it impinging normally on a flat plate moving away from it at 10 meter per second. The cross section area of the jet is 0.01 meter square and the density of water is 1000 kilogram per meter cube. The force developed on the plate is, ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, अब इस केस में क्या हो रही है, प्लेट भी मूव कर रही है। ये क्वेश्चन किसका है, आपका गेट का क्वेश्चन है 1990 का, और सेम क्वेश्चन आपके गेट 2017 में भी आया था। देखिए यदि आपकी ये कोई प्लेट है, ध्यान से समझिए, ये आपकी कोई प्लेट है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी क्या है, यू है, कल मैंने आपको बताया था। अगर इसमें कोई एक जेट आ रही है, कोई एक जेट आ रही है जिसकी वेलोसिटी फ्रेंड्स क्या है, वी है ना, तो जैसे फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, सिंपल, जैसे पहले तो रो ए वी स्क्वायर था, लेकिन इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे तो रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा। कैसे आया था मैंने कल ही बताया था, डेंसिटी आपको दे रखी है 1000, क्लियर, एरिया आपको कितना दे रखा है, जेट का एरिया कितना दे रखा है, 0.01, वेलोसिटी ऑफ जेट आपको कितनी दे रखी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ प्लेट कितनी रखी है, 10, तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बताइए। तो ये आपका 0.01 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 न्यूटन, यानी आपकी 1 किलो न्यूटन के बराबर, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, SSC JEE 2014 का ये क्वेश्चन है, आपसे हेड लॉस पूछा है आपसे, क्लियर, द फ्रिक्शनल हेड लॉस ड्यू टू फ्लो ऑफ अ विस्कस फ्लूइड थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी विद द एवरेज वेलोसिटी वी एंड पाइप फ्रिक्शन फैक्टर आपको दे रखा है एफ, क्या होता है बताइए। देखिए बेसिकली जो हेड लॉस होता है, वो आपका क्या होता है, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2GD होता है। तो पहले तो ये देखते हैं अपने ऑप्शन में है या नहीं है, बताइए ये ऑप्शन में है या नहीं है, नहीं है, ऑब्वियसली नहीं दिख रहा है, क्लियर, बताइए। तो एक फॉर्मूला मैंने और बताया था, FLV square upon 2GD बोल लो,
या 4f(lv²/2gd) बोल लो, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है ना, 4f(lv²/2gd). तो ए इसका जवाब हो जाएगा, लेकिन इसमें ये चीज गलत दे रखी है जहां पर f फ्रिक्शन फैक्टर है, क्योंकि ये वाला जो f डैश होता है ये क्या होता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, ध्यान रखिए। और आंसर उन्होंने जो सही दे रखा था यही दे रखा था, तो मैंने चीज कॉन्सेप्ट बता दिया होना क्या चाहिए, तो अभी तो फिलहाल के लिए तो यही सही रहेगा, वरना अगर फ्रिक्शन फैक्टर बोलता तो वैसे तो होना तो ये चाहिए था, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं है, तो हम लोग कौन सा लगा देंगे, ये लगा देंगे 4f(lv²/2gd). चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज फ्लोइंग थ्रू अ 20 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप, टेक काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 0.0101 स्टोक, अज्यूम दैट द चेंजेस फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट एट रेनॉल्ड नंबर 2320 द क्रिटिकल वेलोसिटी विल बी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बताइए। देखो पहले तो मुझे बताइए क्रिटिकल का मतलब क्या है। देखो मैंने आपको एक टर्म बताया था क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर, बताइए बताया था नहीं बताया था। क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, वह मैक्सिमम रेनॉल्ड नंबर जहां तक फ्लो किया लेमिनार है, मैक्सिमम रेनॉल्ड नंबर अप टू विच द फ्लो इज लेमिनार। और पाइप फ्लो के लिए हम लोगों ने क्या बोला था, पाइप फ्लो के लिए जो बोला था वो क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर वो क्या बोला था आपने, 2000 बोला था, ठीक है। और उस 2000 पे जो भी वेलोसिटी आती है ना फ्रेंड्स, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर बोला है कि अज्यूम कर लो कि यहाँ पर जो क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर है 2320 है, वैसे 2000 होता है लेकिन मान लो 2320 है, तो 2320 के हिसाब से आप क्रिटिकल वेलोसिटी आपको निकालनी है, ठीक है, 2320 के हिसाब से आपको क्रिटिकल वेलोसिटी निकालनी है। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है आप फॉर्मूला जानते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर रो इंटू वी इंटू डी अपॉन म्यू, ये हो सकता है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, वी इंटू डी अपॉन म्यू अपॉन रो लिख सकते हो। और आप जानते हो जो म्यू अपॉन रो होता है यानी जो डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी होता है वो क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो वी इंटू डी किसके बराबर होता है आपके, सॉरी म्यू अपॉन रो किसके बराबर होता है, म्यू न्यू के बराबर, यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो रेनॉल्ड्स नंबर आपको दे रखा है कितना दे रखा है, 2320, क्लियर। आपको फ्रेंड्स वेलोसिटी आपको कितनी दे रखी है, वेलोसिटी तो निकालनी है क्रिटिकल वेलोसिटी। डायमीटर आपको कितना दे रखा है बताइए, डायमीटर आपको कितना दे रखा है, डायमीटर 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 20 सेंटीमीटर को मैं 0.2 मीटर लिख सकता हूँ। और जो विस्कोसिटी दे रखी है दोस्त, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, वो स्टोक में दे रखी है यानी सीजीएस यूनिट में दे रखी है। आपको इसको फ्रेंड्स मीटर स्क्वायर पर सेकंड में चेंज करना है एसआई यूनिट में, तो इससे क्या कर दोगे, 0.0101 × 10⁴ कर दोगे, तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी का, आपके पास आंसर आ जाएगा। बताइए क्या आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट शायद ऑप्शन सी आना चाहिए मेरे हिसाब से, आप इसको सॉल्व करके देख लेना, शायद ये आ जाएगा जो भी आप करोगे, है ना, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना, वी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23 × 0.0101 × 10⁴ वी सी की वैल्यू क्या आ गई, ये बटे 0.2 आप लोग कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पॉइज इज इक्वलेंट टू, एक पॉइज किसके बराबर होता है, वन पॉइज। देखिए आप जानते हैं जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल इंटू सेकेंड होती है, ऐसा यूनिट। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड लिख सकते हो। न्यूटन को क्या लिख सकते हो, फोर्स की होती है यानी किलोग्राम, मास इंटू एक्सेलेशन से किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो। नीचे मीटर स्क्वायर पहले था ही और ये सेकंड था ही, यानी जो इसकी एसआई यूनिट आई, ठीक है, या एमकेएस यूनिट आप लोग बोल सकते हो, इसकी यूनिट क्या आई फ्रेंड्स बताइए मुझे, किलोग्राम अपॉन मीटर इंटू सेकेंड आई या नहीं आई बताइए। अगर फ्रेंड्स इसकी सीजीएस यूनिट निकालनी है, सीजीएस यूनिट निकालनी है आपको, तो किलोग्राम को आप किस में लोगे, ग्राम में लोगे, मीटर को आप लोग किस में लोगे, सेंटीमीटर में लोगे, और टाइम तो टाइम की भी ये जो सीजीएस यूनिट होती है सेकंड होती है। तो फ्रेंड्स इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइज बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइज बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखो ये याद रखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट रिप्रेजेंट द। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था
एफ बराबर मैंने डी पी अपॉन डी टी बताया था आपको, है ना, डेल पी अपॉन डेल टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। लेकिन आप लोग एक चीज और याद रखिए, हालांकि गेट में आता है आपके इसमें नहीं आता, लेकिन एक छोटा सा स्टेटमेंट एक बार पूछ रखा है एसएससी जेईई, इसलिए मैं बताता हूँ, याद रखने में कुछ बुराई नहीं है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम, यदि जो मोमेंटम का भी हम लोग मोमेंट लेंगे ना, उसका जो चेंज होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। जैसे आपके मोमेंटम का जो चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, वो क्या है, फोर्स है। सिमिलरली मोमेंट ऑफ मोमेंटम का जो चेंज है फ्रेंड्स, वो क्या है, आपका टॉर्क है। क्लियर? तो ये अपना आप याद रख सकते हैं, बहुत बड़ा इशू नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ अ न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप होती है, क्या होती है, आप जानते हैं फ्रेंड न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करे, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, यानी इसके लिए जो कर्व आएगा शियर स्ट्रेस में और वेलोसिटी ग्रेडियंट में, जो कर्व आएगा फ्रेंड्स वो कैसा आएगा, इसके लिए लीनियर आएगा। कैसा आएगा, लीनियर आएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑरिफिस मीटर इज यूज टू द मेजरमेंट ऑफ, ऑरिफिस मीटर का काम क्या होता है आपको पता है, डिस्चार्ज मेजर करता है। क्या मेजर करता है, डिस्चार्ज मेजर करता है, या फिर आप बोल सकते हो रेट ऑफ फ्लो मेजर करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। क्या बोलना चाह रहा है, द रेशियो ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी लोकेटेड रेस्पेक्टिवली एट डेप्थ 0.5 मीटर एंड 2 मीटर, तो इसका आपको जवाब देना है। क्लियर? इसका आपको जवाब देना है, आई एम सॉरी, हाँ इसका आपको जवाब देना है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बताइए। तो फ्रेंड्स सामने देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जैसे मान लीजिए ये आपका लिक्विड है, है ना, एक पॉइंट तो है 0.5 मीटर नीचे, 0.5 मीटर नीचे, ये एक पॉइंट तो ये रहा, ठीक है, और एक पॉइंट क्या है 2 मीटर नीचे है, एक पॉइंट क्या है 2 मीटर नीचे, ये पॉइंट बी। तो पॉइंट ए पे प्रेशर क्या होगा, सामने देखिए जो प्रेशर होगा वो क्या होता है, रो जी एच होता है प्रेशर, तो इस पर क्या हो जाएगा, रो इंटू जी एच की वैल्यू 0.5, और B पे जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, रो इंटू जी इंटू एच, कितनी है आपकी 2 मीटर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, रो जी इंटू 2। तो फ्रेंड दोनों का जो रेशो लोगे, पी ए अपॉन पी बी का जो रेशो लोगे, ये रो जी से रो जी कैंसिल हो जाएगा, 0.5 अपॉन 2, 0.5 को 1/1 क्या लिख सकते हो आप लोग बताइए, 1/2 ले सकते हो, तो 1/2 नीचे 2, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड देखिए जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने करवा दिए, जहाँ हम लोगों ने अभी पढ़े थे, है ना, तो आप देखिए आपको लग रहा है कि सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन आपको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको रिवीजन इंपॉर्टेंट है, वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना रिवीजन करोगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। क्लियर? मंडे से हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स सेंट्रीफ्यूगल पंप। आज के लिए हम लोग क्लास इतनी रखते हैं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो फ्रेंड्स वाईफाई स्टडी रेफरल कोड यूज़ करेंगे 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा जो प्लस कोर्स आप ज्वाइन करेंगे उसमें। ठीक है, तो आज इतना काफ़ी है, गुड नाइट। अपनी जो नेक्स्ट मुलाकात होगी मंडे को होगी, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास चलती है, दो दिन रिविजन के होते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।